हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कोस गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है डहलिया। ये एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूल देने वाला प्लांट है। आज हम बात करेंगे इसकी केयर कैसे करें और इसको कटिंग से हम कैसे लगा सकते हैं और ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी हो और फूल भी काफ़ी बड़े साइज़ के आएँ। डहलिया के पौधे का साइज़ कम से कम 1.5 से 2 फीट तक होता है और ये ज़मीन में लगाया जाता है तो इससे भी लंबा होता है। मैं ये 2 प्लांट नर्सरी से लाई थी, बहुत छोटे छोटे से थे, तो इसकी हम कटिंग कैसे लगाएंगे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। डहलिया के पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये धूप प्रेमी होता है और इसमें आप पानी की बात करें तो पानी हफ्ते में 1 ही बार पानी देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये देखिए, मैंने ये डाल यहाँ से काट ली है नीचे से, तो इसकी हम कटिंग लगाएंगे और नीचे से जो पत्तियाँ हैं इनको हम कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से आप पत्तियाँ कट कर देंगे। मैं अक्सर नर्सरी से 1 या 2 पौधे लाती हूँ। जब हमारा प्लांट ग्रोथ पे आता है तो मैं उसकी कटिंग से 2-3 पौधे तैयार कर लेती हूँ। मेरी कटिंग तैयार है और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कंपोस्ट डाल दिया है मिट्टी में और इसमें हम थोड़ी सी लकड़ी की राख डालेंगे। लकड़ी की राख डालने से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और जो मिट्टी में थोड़े बहुत जो छोटे छोटे जीव होंगे वो भी इसे मर जाएंगे। तो अब मैं इसमें अपनी कटिंग लगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मिट्टी तैयार हो गई है और अब हम इसमें अपनी कटिंग लगाएंगे। डहलिया की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और ये 10 से 12 दिनों में इसकी कटिंग लग जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी ये कटिंग है, मैं इसको बीच में रख के हल्के हाथों से इसके मिट्टी से दबा दूँगी और ये देखिए, इस तरह से आप देखिएगा 10 से 12 दिनों में हमारा ये प्लांट बिल्कुल इसमें जड़ें निकल आएंगी, बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए, ये मेरी कटिंग लगा दिया है मैंने और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे ताकि ये पौधा इधर उधर हिले नहीं। ये देखिए, आप भी डहलिया की कटिंग लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और अब इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस थोड़ा सा देंगे, इतना पानी देंगे कि यहाँ की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। लकड़ी की राख एक कीटनाशक है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। लकड़ी की राख में नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीज भारी मात्रा में होता है। ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। मैंने दोनों प्लांट में अलग अलग खादों का इस्तेमाल किया है और मुझे जानना था कौन सी खाद क्या असर करती है। ये है लकड़ी का कोयला और ये खाद के रूप में भी बहुत अच्छा है। इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीज और फास्फोरस, पोटास जैसी पोषक तत्व मौजूद हैं। अगर आपके डहलिया के प्लांट की मिट्टी नम रहती है, इस टाइम ठंड की वजह से ये प्रॉब्लम सभी पौधों पे आ रही है, तो आप एक टुकड़ा कोयले का लेके साइड में डाल के मिट्टी से दबा सकते हैं। तो ये जो है कोयला, नमी सोखने में बहुत ही सहायक होता है। दूसरा, आप इसको पीस के इस तरह से किसी चीज़ से पीस के ये अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से छिड़क सकते हैं। इससे हमारे जो मिट्टी में घोंघे और स्नेल वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे इस प्लांट में काफ़ी नमी है और मिट्टी यहाँ की बिल्कुल गीली गीली रहती है, तो इसमें मैं हमेशा हफ्ते में 1 बार इस कोयले का प्रयोग करती हूँ। और ये देखिए, अक्सर आप ध्यान रखें कि आपके जो डहलिया के पत्तियाँ हैं वो मिट्टी से टच ना करें। जो हमारा प्लांट के पत्ते मिट्टी से टच करते हैं तो उसमें कीट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये देखिए, ये काले कीड़े या इसको माहों बोल सकते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। राख बहुत अच्छी होती है, ये पत्तों पे चिपक जाती है और ये इन कीटों को मार देती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसके लिए अपने प्लांट पे राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। या फिर आप राख ना इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा कोई भी कपड़े धुलने का डिटर्जेंट आप घोल के इस पर स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे की पत्ती कट कर दी है, सारी पत्तियाँ हमने हटा दी है
और ये देखिए इस तरह से इसमें कीड़े लगे हुए थे, जो नीचे की पत्तियां थी उसी में कीड़े लगे थे। देखिए मैंने नीचे की पत्तियां काट दी हैं और इसकी गुड़ाई कर दी है। अब ये जो कोयला था उसका पाउडर मैं इसमें छिड़क रही हूँ। और याद रहे डहलिया में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हफ्ते में एक ही बार देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर डाल दिया है। और तो अगली खाद है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसको मैंने 2 बार अपने डहलिया के प्लांट पे दिया है और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और उसमें कलियाँ भी आने लगी हैं। तो एक प्लांट के लिए 2 चम्मच लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी है। 10 से 12 इंच के गमले में 2 चम्मच फर्टिलाइज़र काफ़ी होता है, उसको पानी मिला के आप अपने प्लांट पे दे सकते हैं। तो इस प्लांट में मैं लिक्विड नहीं डालूंगी, इसकी मिट्टी नम है, तो ये यहाँ पे मैं 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है और इसमें छेद करना भूल गई थी, इसलिए शायद इसमें नमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी मैं इसमें छेद भी करूँगी। ये देखिए कितनी ग्रोथ है। मैं अपने पौधों को इसी तरह से होममेड फर्टिलाइज़र देती हूँ और मेरे पौधे आप देख सकते हैं इसमें देखिए कितनी ब्रांचें निकल रही हैं। और डहलिया के प्लांट में लकड़ी की राख और कोयले का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। और फर्टिलाइज़र के बारे में तो मैं बताती ही हूँ, जो किचन वेस्ट से बनाती हूँ और वही मैं अपने प्लांटों पे अधिकतर देती हूँ। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।